प्रोफेशनल है करके लाया हूँ उसको। नहीं, ये जो भी बोल रहा है ये गलत बात है। मैं बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं हूँ। अभी कोशिश रहेगी पूरा कि हम प्रोफेशनली कर सकें। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एएस एक्सप्लोर्स। और आज हम जाने वाले हैं एक्सप्लोर करने के लिए एक बहुत ही खास जगह, दैट इज़ कॉल्ड टाटा मारी, केशकाल के पास में है। और वहाँ पे आज हमारा कैंपिंग करने का प्लान है। बहुत ज़्यादा चीज़ें प्लान नहीं है हमारी। वहाँ पे जो इको टूरिज्म वाले भैया हैं उनसे हमारी बात हो रखी है। सो चल के देखते हैं क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए है। बने रहिए हमारे साथ। आप ज़रूर बताइए कि आपको इन हमारे एपिसोड में क्या क्या चीज़ें अच्छी लग रही हैं। अगर आप कभी आए हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था यहाँ का, और ऐसी और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो चाहते हैं आप कि हम कवर करें और आप तक लेके आएँ। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले विल हेड टूवर्ड्स केशकाल। सी यू देयर। तो अपन कहाँ रुके हैं फ्रेंड्स? हम लोग अभी ऑन द वे थे टाटा मारी के लिए। तो लेफ्ट साइड पे हमें एक नया स्पॉट नजर आया, लिमदरहा मिडवे के नाम से। वहाँ पे काफी ही अट्रैक्टिव लग रहा है, अंदर जाके देखते हैं। भैया ने भी फ्रेंड्स लिमदरहा मिडवे हमें रास्ते पर दिखा और ये बहुत अच्छा सीनिक व्यू पॉइंट था जहाँ हमने कुछ टाइम स्पेंड किया। तो हमने डिसाइड किया कि इसका क्यों ना सेपरेट एपिसोड लेकर आएँ, जिसको आप प्रोबेबली हमारे थर्ड पार्ट पर देख पाएंगे। और अभी देर ना करते हुए हम आपको सीधे ले चलते हैं केशकाल। फ्रेंड्स यहाँ से बहुत फेमस केशकाल घाटी स्टार्ट हो जाती है, जिसमें लगभग 11 मोड़ हैं। इसका निर्माण सन 1910 में अंग्रेजों द्वारा करवाया गया था। ये राष्ट्रीय राजमार्ग है जो बस्तर को पूरे प्रदेश और पूरे देश से जोड़ता है, इसलिए केशकाल को गेटवे टू बस्तर भी कहा जाता है। फ्रेंड्स केशकाल रायपुर से लगभग 182 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन अगर आप पुराना धमतरी रोड से आते हैं तो ये लगभग 164 किलोमीटर पड़ता है। वहीं अगर आप जगदलपुर से आते हैं तो ये लगभग 129 किलोमीटर की दूरी पर है। फ्रेंड्स हम लोग अपने डेस्टिनेशन में आ चुके हैं टाटा मारी के। हम अभी पार्किंग में हैं और भैया हमारा सामान पिक करने के लिए आ रहे हैं। और यहाँ पे देखते हैं कैंपिंग की क्या व्यवस्था है और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए। साथ ही इवनिंग में, मतलब नाइट, आज हमारा डिनर क्या होगा, वो सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट करके हम आपको बताते हैं। सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हम लोग पहुँच चुके हैं टाटा मारी और हम लोग अभी चेक इन कर रहे हैं। आज रात हमारा कैंपिंग करने का प्लान है यहाँ का, और बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं यहाँ पे। देखते हैं क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ एंट्रेंस और बहुत अच्छा सा क्राउड है यहाँ पे। यहाँ से व्यू पॉइंट भी आने वाला है आई गेस। फ्रेंड्स बहुत ही अल्टीमेट व्यू, एज यू कैन सी राइट देयर। यू Thank you.
तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ फाइनल जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे आ चुके हैं और पीछे का व्यू देखिए, दिस इज रियली रियली अमेजिंग एंड फैंटास्टिक। मैंने रियली इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया हुआ था। यहाँ पे क्राउड भी बहुत अच्छा है यहाँ का। अभी हमने चेक इन नहीं किया हुआ है, सीधे हम व्यू पॉइंट पे आ गए हैं। और ये गाइस रियली वर्थ ट्रेवलिंग, वर्थ स्पेंडिंग नाइट, वर्थ स्पेंडिंग मनी। और आगे का एक्सपीरियंस कैसा होता है बहुत जल्द आपसे शेयर करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए AS Explores। दोस्तों आज हम छत्तीसगढ़ के केशकाल घाटी की एक बहुत खूबसूरत जगह पे हैं जिसका नाम है टाटा मारी। यहाँ आके कश्मीर सा अनुभव है। आज हम बहुत ऊंचाई पे खड़े हैं जहाँ से आप पीछे दृश्य देख सकते हैं कितना शानदार नज़ारा है, बादलों के बीच, कोहरों के बीच और प्रकृति के बीच। एकदम अलग अनुभव है। इस जगह पे आइए और इस खूबसूरत जगह का मज़ा लीजिए। बहुत आनंददायक जगह है टाटा मारी केशकाल छत्तीसगढ़। फ्रेंड्स यहाँ के आसपास के गांवों के नाम के आगे मारी शब्द लगाया जाता है जिसे हिंदी में पठार और अंग्रेजी में इसे प्लेटो कहा जाता है। और यहाँ के आसपास के लैंड बॉक्साइड से भरपूर हैं। एक टाइम था जब यहाँ माइनिंग के लिए टाटा कंपनी को इसे लीज पे दिया गया था, तब से इस पर्टिकुलर एरिया को टाटा मारी के नाम से जाना जाता है। टाटा मारी यानी कि टाटा का पठार या टाटा का प्लेटो। गाइस हमारा टेंट लगना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे टेंट लगेगा, रात टेंट में स्पेंड करने की कोशिश करेंगे अगर गर्मी मच्छर एंड ऑल इनकी प्रॉब्लम ना हुई तो। बैकअप के लिए हमारे पास कॉटेज भी है बट हम टेंट का मज़ा लेना चाह रहे हैं और देखते हैं एक्सपीरियंस कैसा है यहाँ आके। तो मज़ा आ गया, बारिश स्टार्ट हो गई है, चलिए रूम पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा डिनर आ चुका है और यहाँ की कैंटीन लगभग 6 बजे के आसपास बंद हो जाती है और जो डिनर का प्रिपरेशन रहता है उसके कैंटीन के टाइम में ही करके ये लोग जाते हैं। सो गर्म खाना बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते यहाँ पे, आपको ठंडा खाना ही मिलेगा इवनिंग पे अगर आपको डिनर करना है तो। और रोटियाँ भी काफ़ी ठंडी हैं, टेस्ट वाइज करके बताते हैं हम कैसा है। बाकी बहुत ही ठंडा है खाना। पनीर की सब्ज़ी मिली हुई है हमें, दाल है जिसमें तड़का लगा हुआ है, मटर पनीर की सब्ज़ी है। हाँ सब्जी हल्की सी गर्म है, मे बी हॉट पॉट की वजह से होगा। ठीक है
खाने लायक है, बहुत स्पेशल नहीं है। फ्रेंड्स ये है हमारा छोटा सा टेंट, चल के बैठते हैं इस पे। हम लोग अभी अपने टेंट में, छोटे से 2% टेंट है जिसमें अभी हम लोग 3 लोग बैठे हुए हैं। हालांकि सोने के लायक, किसी एक ही पर्सन के सोने के लायक है प्रॉपरली। सो भाई भी हमारे साथ में और पीछे से एक हमारा कैमरामैन भी है ना। एनीवेज गाइस, है तो मज़ा यार, मतलब काफ़ी टाइम से हम लोग प्लान कर रहे थे। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा मन था कि ऐसे मैं कैंपिंग करूँ कहीं पे जाके, और आज मौका मिल गया, अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और ये देखिए कैसे हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं यहाँ पे छोटे से टेंट के अंदर। तो क्या कहना है, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, मतलब बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आ रहा है। केशकाल टाटामारी का पहला ये एक्सपीरियंस है मेरा, और मैं जीवन में नहीं सोचा था कि छत्तीसगढ़ में इतनी अच्छी जगह हो सकती है, मतलब इतनी शानदार जगह कि आप कुछ अलग ही एक्सपीरियंस करेंगे यहाँ आकर। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है ऐसा, और यहाँ का व्यू बहुत ही अमेजिंग है जैसा कि आप देख चुके हैं। कल बहुत सारी चीज़ें हमें एक्सप्लोर करनी है, बट ट्रैकिंग के लिए शायद कल पॉसिबल नहीं हो पाएगा ऐसा भैया बता रहे थे, क्योंकि ये डाउन द हिल जाना पड़ता है और बरसात में काफ़ी स्लिपरी हो जाता है, तो शायद ना जा पाए, या कोशिश करेंगे इंसिस्ट करके कि हमें ले चलें उस प्रिपरेशन से हम जाएँ वहाँ पे। और अदर देन दैट कुछ वाटरफॉल्स हैं यहाँ पे आसपास, जिनमें वन ऑफ द बेस्ट वाटरफॉल और जो बहुत ज़्यादा नोन नहीं है लोगों के बीच ऐसा हमें पता चला है, तो उन वाटरफॉल्स को या उस पर्टिकुलर वाटरफॉल को हम ज़रूर विज़िट करना चाहेंगे, और कल देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर करी जा सकती है। लुक एट हियर गाइस, यो, सो कैसा है तुम्हारा एक्सपीरियंस? एक नंबर, मतलब सोचा नहीं था कि केशकाल ऐसी जगह होगी कि इतना मज़ा आ जाएगा। और जब से हम आए हैं ना, तब से बारिश हुए जा रही है, बारिश रुकने का नाम नहीं लिए। लेकिन हाँ, जब हम पहुँचे थे उसके थोड़ा देर पहले तक बारिश नहीं हो रही थी, तो हम लोग कुछ ऐसा नज़ारा देखे कि आप छत्तीसगढ़ में उस चीज़ को आप कभी नहीं देख सकते। बहुत शानदार एक्सपीरियंस है, ऐसा लग रहा है कोई हिल स्टेशन में बैठे हुए हैं और नेचर्स का मज़ा ले रहे हैं, ठंडी हवाओं का मज़ा ले रहे हैं, बहुत सुंदर अनुभव है। और अब क्योंकि हमारा नेटिव प्लेस भी, आपका नेटिव प्लेस भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से धमतरी, तो क्या कभी ऐसा मौका नहीं मिला इतने सालों में? कभी इसके बारे में पता नहीं चला कि कितना खूबसूरत अपने पास चीज़ें, बोलते हैं ना जो चीज़ पास होती है उसके बारे में ज़्यादा अपन जान नहीं पाते, वैसे ही कुछ है। हम सुनते ज़रूर थे पर कभी ऐसा नहीं लगा था कि अपने छत्तीसगढ़ में भी इतनी खूबसूरत जगह होगी। और अब हम सब हमारे मित्रों दोस्तों और हमारे सब पब्लिक से अपील करेंगे कि आइए और इस खूबसूरत जगह का मज़ा लीजिए। आप देख रहे हैं कि कितना जेन्युइन रिव्यू, कितना अच्छा रिव्यू आ रहा है। मैं रिसेंटली अभी मसूरी का ट्रिप करके आया हुआ हूँ, उसकी वीडियो शायद आपको बाद में देखने को मिले, तो वो वहाँ का जो व्यू हम मज़ा ले रहे थे, क्योंकि बहुत ही सुंदर जगह है मसूरी, दैट इज़ कॉल्ड क्वीन ऑफ द माउंटेन्स। तो यहाँ आके मुझे लिटरली वैसा एहसास हुआ, एंड मैं ज़रा सा भी आपको अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ, ये लिटरली बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ का व्यू पॉइंट इतना अमेजिंग है, इतना ज़बरदस्त है। ऑल दो सनसेट पॉइंट पे आज हम थे, पर बदली की वजह से हम सनसेट को विटनेस नहीं कर सके, बट स्टिल इतना प्यारा यहाँ का नज़ारा था कि आप हमारे वीडियो में देख ही सकते हैं। तो आप ज़रूर आइए, हो सकता है आपको यहाँ आने के बाद शायद वीडियो से और भी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिले। सो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए AIS Explorers, तब तक आपसे बहुत जल्द मिलते हैं। फ्रेंड्स, आपने अगर टाटामारी में रात नहीं गुजारी और अगले दिन सूर्योदय यानी सनराइज के आसपास का समय और उस समय का नजारा नहीं देखा, तो ट्रस्ट मी गाइस, आपने बहुत बड़ी चीज मिस कर दी। यहाँ हर थोड़े समय में नजारा बिल्कुल ही अलग होता है, दोपहर में बिल्कुल अलग, शाम में अलग, अर्ली मॉर्निंग तो एकदम ही अलग, ऊपर से अगर बारिश का टाइम व्यू है और भी अल्टीमेट। इन सारी सुंदरता को एक एपिसोड में दिखाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इसे 2 पार्ट में बना रहे हैं ताकि आप इसकी सुंदरता का पूरा आनंद ले सकें। आप हमें जरूर बताएं आपको टाटामारी और हमारा एपिसोड कैसा लगा। तब तक के लिए नमस्कार।